शुभ संध्या। हमें सबसे पहले अपने मातृभूमि के प्रणाम करे छे, यहाँ पे उपस्थित सारे लोगों के नमन करे छे। हमरो नाम शुभम कुमार छे, हमरा ठेठी उतना अच्छा ना आवे छे। मम्मी के मैं एक महीना पहले बोलिए कि अहा सारा चीज हमरा दिल के, बट लेकिन हमरा अपना मातृभाषा नहीं सीखल के, आप ठेठी मैथिली का एक बोली है। आप अपने बच्चों को सारा लैंग्वेज सिखाइए, आप ठेठी भी सिखाइए, हिंदी भी सिखाइए और इंग्लिश भी सिखाइए। आप लोगों को लगता होगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने जब अपनी ट्रेनिंग एकेडमी में सबसे पहले गया तो वहाँ पे सारे यूपीएससी क्रैक किए हुए बंदे थे, सारे वहाँ पे जो भी थे सब रैंकर थे, टॉपर्स थे। तो सारे लोगों ने पूछा कि शुभम तुम हिंदी क्यों बोलते हो, तुम्हारा मातृभाषा क्या है? तो हम बोले कि मातृभाषा ठेठी है, वो कभी सीखे ही नहीं। सो वहाँ पे सारे लोग बोले कि उनकी तो हिंदी तो दूसरी भाषा है। सारे लोगों का कुछ ना कुछ उनका खुद का भाषा होता है और वो उस पर गर्व करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने कल्चर को, अपने संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। जहाँ भी मैं गया वहाँ पे शुरुआत में लोग बोलेंगे कि एक बिहारी है, लेकिन धीरे धीरे उनको यकीन हो गया कि बिहारी क्या कर सकता है। वो बोला कि बिहारी ऐसे बोलता है, बोला गुजराती भी तो अपना अलग भाषा बोलता है। कभी साउथ वाले लोगों को देखा कैसे हिंदी बोलते हैं? सो मेरा ये कहना कि अपने पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, अपने पे गर्व होना चाहिए। जब आप अपनों को, अपने को जान पाएंगे तो ही आप अच्छे से अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप अपना 100% देंगे। मैं जो भी हूँ वो मैं अपने परिवार वालों की वजह से हूँ। मेरे परिवार में पापा, मम्मी, चाचा, चाची, दीदी, भाई बहन, सबका महत्व है। मैं कहीं पे भी गया हर दिन मम्मी पापा से, हर दिन अपने परिवार वालों से बात किया। तो ये कहने के लिए एक छोटा सा बात है, लेकिन जब आप अपने लोगों से, अपने लोगों के पास रहते हो और उनका फुल सपोर्ट आप पे होता है, तो मुझे ये लगा कि अगर मैं एग्ज़ाम नहीं भी क्वालिफाई कर पाऊँ, फिर भी मेरे परिवार मेरा हमेशा साथ देगा। कभी भी ऐसे पापा नहीं बोले कि ये एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करोगे तो क्या होगा, वैसा कुछ नहीं। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया मेरे सक्सेस में। एग्ज़ाम के हर घड़ी में, हर स्टेज पे मैं ये बोला कि पापा इतना मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन पापा कहते थे कि नहीं, तुम कर सकते हो, तुमको जितना विश्वास तुम पे है उससे ज्यादा मुझ पे तुम पे है। तो ये सपोर्ट जो है वो बहुत यूनिक रहा, वो बहुत अलग किस्म का सपोर्ट रहा। और दूसरी बात जो पापा कह रहे थे, कि चाचा भी कह रहे थे कि घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, तो अभी तक मैं एक इंसिडेंस मैंने नहीं बताया है कि मुझे असल में मोटिवेशन कहाँ से मिला। एक बार ऐसा हुआ कि पापा को याद भी नहीं होगा, बालदेव दादा मेरे घर पे आते हैं, वो अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ 3000 रुपये पापा से उधार पे लिए होंगे, और उनकी बेटी की शादी पापा यहाँ मंदिर में कराए थे। तो पापा ने ये नहीं कहा कि 3000 रुपये मैं दे रहा हूँ, वो कहा कि नहीं, आपको वापस करना है। फिर वो मेहनत किए और फिर वो 3000 वापस जब दे रहे थे तो मैं भी देख रहा था। पापा ने सारा नोट काउंट किया 500 के नोट से,
फिर एंड में 3,000 रुपए दादा को दे दिया कि ये आपकी मेहनत की कमाई है, ये अपने साथ रखे। ये मैं कहना चाहता हूँ कि इससे ये क्या हुआ कि वो सामने वाला मेहनत किया, वो कमाई वो फ्री का पैसा नहीं समझा। इसी तरह मैं भी चाहता हूँ, मेरी ये कामना है कि मैं भी लोगों के लिए काम करूँ। एक बार रिजल्ट आ जाना बड़ी बात होती है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि लोगों के आशाओं पे खड़ा होना। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हर लोगों की आशाओं पे खड़ा उतरूं। इसके अलावा आप जो भी रहें, लेकिन सबसे पहले आप आदमी अच्छा बने। लोगों ने कहा कि तुम्हारा लक बहुत अच्छा है, एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, अच्छे कर लेते हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका लक तभी साथ देगा जब आप खुद के लिए आप सही हो, आप दूसरों के लिए सही हो। आप दूसरों की मदद करें, आप पे भगवान मदद करेगा। छात्रों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बचपन में मुझे लोग कुछ कहते थे कि बहुत जिद्दी है, मैं अब कहता हूँ कि जिद्दी है तो ठीक है, मैं ये करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा। ये जिद भी बहुत अच्छी चीज है। जिंदगी में उतार चढ़ाव हर किसी के जिंदगी में होता है, मेरे भी जिंदगी में रहा। जब विद्या विहार में क्लासिक्स में गया तो 110 लोगों में मेरा स्थान जो होता था वो 40-50 के आसपास होता था, लेकिन पापा मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि तुमको पहला स्थान ही लाना है। क्लासिक्स में ऐसे ही रहा, 7 में भी क्लास 40 के आसपास ही रैंक रहता था। क्लास 8 में किसी ने मुझे कह दिया कि शुभम बहुत लकी है, 40 के आसपास रैंक आता है, सेक्शन ए में चले जाते हो। विद्याविहार में रूल था कि टॉप 40 वाले को सेक्शन ए में रखते थे। तो फिर मैं ये सोचा, मैंने प्रण लिया कि मैं ये करके दिखाऊंगा कि ये बस लक नहीं है, मैं मेहनत करूंगा। सो छात्रों को ये कहना चाहता हूँ कि जब आप प्रण लेते हैं, आपके पास एक प्रॉपर प्लान होता है, आप उसको इम्प्लीमेंट करिए और धीरे धीरे आप खुद का एक बेहतर सेल्फ बन के निकले। आपको ये हमेशा लगना चाहिए कि आज का जो मैं हूँ वो कल का जो मैं बनूंगा वो आज के मैं से बेहतर बनूंगा। जिंदगी बहुत चीज सिखाती है, संघर्ष बहुत चीज सिखाता है, और लाइफ के हर फेज में हमारी कोशिश ये रहती है कि मैं अपना एक बेटर सेल्फ बनूं, मैं इससे भी और अच्छा बनूं, और मेरा भी यही रहेगा। लास्ट में मैं एक पंक्ति बोलूंगा कि कर्मण्य वधिकरस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आप कर्म करिए, फल की चिंता ना करें, फल तो कभी ना कभी आ ही जाएगा। धन्यवाद। शुभम कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद, और को उसके जीवन की शुभकामना के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतने की तादाद में यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इतने सारे लोग इतनी अच्छी बातें कही, मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जैसा भी सोचा होगा उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा।